Hey guys, welcome to my new vlog. So guys, अभी हम जा रहे हैं जो उमरकोट का सरदार था, उमरकोट का बॉस था, उमरकोट का किंग था हमारे शहर का, उसकी जो प्लेस है पता नहीं कौन सी, अकबर बादशाह उसका नाम है। तो अभी चलते हैं उधर, लेट्स गो। और पीछे आप देख सकते हैं कितनी शांति है, कितना ही मज़ा है। और इधर कौओं का आवाज़, पंछियों का आवाज़, बहुत ही सुकून है यार। दिल कर रहा है यहीं पे ठहर जाएं। पीछे आप देख सकते हैं राहुल भाई, आपका दिल क्या कर रहा है? बहुत ही है ना, सुकून है यहाँ पर पूरा। मैं तो व्लॉग बना के आते हैं, फिर इधर ही बैठेंगे, सही है? जी बिल्कुल। ओके लेट्स गो। सो गाइज, नाउ वी आर रीच्ड, अभी पहुंच चुके हैं जस्ट। और ये है अकबर बादशाह की बर्थ प्लेस। अकबर बादशाह बर्थ प्लेस, ये सिंधी में, ये उर्दू में और ये इंग्लिश में है। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत शांति है, उस जगह से भी ज्यादा बहुत शांति है। पंछी वगैरह अभी देखना, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, बट अभी 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 क्या करें हम, अभी पत्थर कोई मिल नहीं रहा यार, पत्थर कहाँ से ढूंढ के लाएं। मिल गया मिल गया मिल गया, अभी देखना। ओ ये देखो पंछी वगैरह बहुत सारे हैं इधर। रेस्ट करने के लिए बेस्ट जगह है ये। ये पता नहीं लड़के यहाँ पे क्या करके जाते हैं, दूसरी जगह को अपना घर समझ लेते हैं, नाम वगैरह लिख के ये देखें। बट बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये, बहुत ही मजा आया भाई इस प्लेस पे भी। और उससे पहले गए थे ना उधर आ रहे थे, तब भी बहुत ही सुकून है दोनों जगहों पे, पर यहाँ पे बहुत सुकून है। और इसके पीछे ही उस साइड यूनिवर्सिटी है, एक इधर है और एक कुंड्री शहर है, उमरकोट से थोड़ा लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे है यूनिवर्सिटी। राहुल भाई और बताएं क्या सीन है अभी? हम अभी तो अभी हम यहाँ पे अकबर बादशाह के कुबे पे खड़े हैं जी। और अकबर बादशाह का यहाँ पे जन्म हुआ था 23 नवंबर 1945 ऐसे ही कुछ है मेरे ख्याल से, यहीं पे जन्म हुआ था और यहीं पे इनका मकबरा भी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग आते रहते हैं तफरी के लिए कभी कभार, और ये हमारी पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले तो बहुत ही गार्डन वगैरह थे, अभी नहीं है क्योंकि टूट चुके हैं सारे, पर यहाँ पे अभी भी बहुत आते हैं, लोग आते रहते हैं। और यहाँ पे इसके सामने यूनिवर्सिटी भी है, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। ओके तो गाइस अभी चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है और भी घूमते हैं यहाँ पे। देखें पेड़ कितने बड़े बड़े हैं इधर, सूरज की किरणें देखें, तीन ही आ रही हैं शायद, नजर आ रही हूँ आपको, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, अल्लाह भगवान। अभी चलते हैं थोड़ा यूनिवर्सिटी, अंदर का दरवाजा बंद है, बाकी बाहर से थोड़ा आपको दिखाते हैं और अंदर जो हरियाली है वो भी आपको दिखाते हैं। पहले यूनिवर्सिटी का नाम है साइट रिजर्व्ड फॉर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट, एंड दिस इज द मेन गेट ऑफ यूनिवर्सिटी। मेन गेट है ये, अंदर का व्यू यहाँ से ये देखें, थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, गाड़ियाँ भी बहुत खड़ी हैं जो यूनिवर्सिटी वाली वैंस हैं वो, और ये हरियाली यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये पंछी। तो गाइज यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं, और हमने यहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया, उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया होगा ये वीडियो को देख के, और हमने यहाँ पे फोटोग्राफी भी की है। तो अभी चलते हैं दूसरी प्लेस पे और मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। भाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।